नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त आज आप सभी के लिए जो औषधि लाया हूँ ये बेहद ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी औषधि है। जी हाँ, अंजीर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दुनिया भर में खाया और पसंद किया जाने वाला यह फल है। कई देश जिनमें ताज़ा फल नहीं पाया जाता वो इसे ड्राई फ्रूट के रूप में खाते हैं। फिग अपने बेशकीमती मेडिसिनल गुण और स्वास्थ्य लाभ के कारण दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि अंजीर का पौधा दुनिया का सबसे पहले मानव द्वारा उगाया जाने वाला प्लांट है। अंजीर में ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे यौगिक होते हैं जिनके कारण इन्हें गजब के औषधीय गुण मिले हैं, और इन गुणों के कारण आयुर्वेदिक डॉक्टर और हर्बल एक्सपर्ट्स अंजीर का उपयोग शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। यदि आपके घर में इसका प्लांट है तो देर मत कीजिए और फ्रेश अंजीर को तोड़कर खाइए, और अगर प्लांट नहीं है तो आप बाज़ार से ड्राई फिग खरीद करके भी खा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस फ्रूट के ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं बेनिफिट्स के कारण फिग का इस्तेमाल डायबिटीज यानी कि मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, बवासीर यानी कि पाइल्स, नपुंसकता, दमा यानी कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, वीक बोन्स यानी कि कमज़ोर हड्डियों के इलाज में, वीकनेस, एनीमिया और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स से बचाव और इलाज के लिए किया जा सकता है। इनके अलावा इनके कुछ कमाल के ब्यूटी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे ये त्वचा और बालों को सेहतमंद रखने में मदद करती है। ये सारे फायदे हम जो अभी आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम फिग में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। अंजीर के फायदे उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण होते हैं, और बात जब अंजीर की नेचुरल वैल्यू की हो तो ये खजूर जैसे पौष्टिक फल को भी पीछे छोड़ देती है। ये एक लो कैलोरी, लो सोडियम और नो कोलेस्ट्रॉल टाइप का फ्रूट है। इसमें फैट की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल होती है। इन पोषक तत्वों के अलावा इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फिग में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स जैसे कि नियासिन, पाइरोडोक्सिन, फोलेट्स और पेंटोथेनिक एसिड के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, ई और के की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बी विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं, जबकि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, संक्रमण जैसी प्रॉब्लम्स से हमें बचाते हैं। इनके अलावा अंजीर में कुछ अच्छे मिनरल्स भी होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और जिंक पाए जाते हैं। पोटेशियम आपके दिल की गति बनाने के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कॉपर आपके लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए अब आइए हम जानते हैं कि इसके गुण और फायदे क्या हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, अंजीर के गुण और फायदे। आप अगर हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं और आप बीपी घटाने वाले फूड्स ढूंढ रहे हैं तो फिग आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लोग अक्सर नमक अधिक खाते हैं, इसीलिए उनमें सोडियम की अधिकता और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम पैदा होती है। अंजीर में सोडियम न के बराबर होता है, लेकिन पोटेशियम भरपूर मात्रा में। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही असरदार होता है, इसीलिए रोजाना इस फ्रूट का सेवन करने से आप बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की नेचुरल दवा। जी हाँ, रिसर्च ने ये पाया है कि फिग में पेक्टिन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बड़े ही असरदार तरीके से कम करने में सक्षम होता है। ये फाइबर आपके द्वारा कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है, जिससे आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है, जो कि एक बढ़िया बात है। हम इस फ्रूट को कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक नेचुरल दवा भी कह सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल रखने हैं
तो आपको रोजाना अंजीर खाने की ज़रूरत होगी। डायबिटीज को रखें ये कंट्रोल में। अगर आपको मधुमेह की शिकायत है और आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन आपको डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए अंजीर खाने की सलाह देता है। अंजीर के पत्तों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि मधुमेह के रोगियों की इंसुलिन के डिमांड को कम कर देते हैं, इसलिए ये उनके लिए उपयोगी हैं जो कि हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। अंजीर में पाए जाने वाला पोटेशियम आपके भोजन के बाद बॉडी में शुगर के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, रिसर्च ने ये भी पता लगाया है कि इस फ्रूट में पाया जाने वाला क्लोरोजेनिक एसिड टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है, इसीलिए हम कह सकते हैं हाइन की ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक अच्छा फ्रूट है। बोन्स को ये सेहतमंद बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि कैल्शियम मिनरल हमारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी होता है, लेकिन एक और मिनरल है जो परोक्ष रूप से आपकी बोन्स को स्वस्थ बनाता है। जी हाँ, पोटेशियम कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी के कारण कैल्शियम पेशाब के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। कैल्शियम की ज़रूरत बोन्स के घनत्व और मजबूती बढ़ाने के लिए होती है। फिग में ये दोनों मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इसीलिए इस फ्रूट के सेवन से आपकी बोन्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। साथ ही ये बुढ़ापे में होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, पतला होना और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मददगार होता है। दिल को भी स्वस्थ रखता है और मजबूत बनाता है। अंजीर ड्राई फ्रूट में फेनोल, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि दिल की बीमारियों को दूर रखने में लाभदायक होते हैं। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट हार्ट को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा इस फ्रूट के पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर कम करके हाई ब्लड प्रेशर से दिल को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इतना ही नहीं, फिग में मौजूद एंटी इन्फ्लामेंट्री और दूसरे गुण आर्टेराइसिस में प्लेक्यू बनने से रोककर एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम से बचाते हैं। ये सब फायदे मिलकर आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने में सहायक होते हैं। वजन घटाने में अंजीर का प्रयोग। आप जानते हैं कि अंजीर लो कैलोरी और हाई फाइबर फ्रूट है, इसीलिए इसे आप खाकर दूसरी चीज़ें कम खाते हैं जो कि आपका वेट बढ़ा सकती हैं, जिसके फलस्वरूप वेट लॉस होता है। लेकिन इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि आप अपना वेट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप दिन में 2 बार कुछ अंजीर के पीसेस दूध के साथ लें, इससे आपका वज़न जल्दी बढ़ जाएगा। वज़न को बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए अंजीर का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। वज़न को ये घटाता भी है और बढ़ाता भी है, बस प्रयोग का अंतर आता है। आप जानते हैं कि अंजीर जो है वो लो कैलोरी और हाई फाइबर फूड है, इसीलिए इसे आप खाकर दूसरी चीज़ें कम खाते हैं जो कि आपका वेट बढ़ा सकती हैं, जिसके फलस्वरूप वेट लॉस होता है। लेकिन इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप दिन में 2 बार कुछ अंजीर के पीसेज दूध के साथ लें, इससे आपका वज़न जल्दी बढ़ेगा। अगर आप अपनी आइज़ की पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोज़ सुबह उठकर कुछ फिग्स खाने चाहिए। फिग्स में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, साथ ही बुढ़ापे में होने वाली कमज़ोर दृष्टि को दूर रखने में मदद करते हैं। वैसे तो अंजीर के फायदे बहुत से हैं, लेकिन एक फ़ायदा ऐसा है जो कि आपकी कब्ज़ और बवासीर की समस्या दूर करने में मदद कर सकता है। इसका कारण ये है कि फिग में अच्छे लक्सेटिव गुण पाए जाते हैं जिनसे आपकी कब्ज़ की समस्या दूर होती है। आप जानते हैं कि बवासीर अक्सर कब्ज़ के कारण ही होता है, और ये भी सही है कि पाइल्स के कारण भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। अंजीर का फाइबर आपके मल को नरम बनाता है,
जिससे आपको उसे त्यागने में मुश्किल नहीं होती है और इसीलिए ये पाइल्स के रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। अंजीर के कुछ एक पीसेज को शहद के साथ रोजाना रात को खाने से कब्ज जल्दी दूर होने लगती है। पाइल्स यानी कि बवासीर के केस में आपको रोज रात को कुछ फीक के पीसेज पानी में डुबो के रखने और सुबह उठकर खा लेने चाहिए। इसी प्रकार सुबह डुबो के रखे हुए पीसेज को शाम को खाना है, इससे आपकी समस्या जल्दी दूर होने लगेगी। पेट साफ रहने से आपको दूसरी स्टोमक प्रॉब्लम जैसे अपच, बदहजमी, पेट में गैस, पेट दर्द इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अंजीर एक स्टोमक फ्रेंडली फ्रूट है। पेट की सफाई होने के कारण कैंसर करने वाले पदार्थ या तो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अंजीर खाने से कोलन कैंसर, आंत का कैंसर भी नहीं होता है। खून की कमी का भी घरेलू इलाज है अंजीर। यदि आपके शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया है तो रोजाना फीक खाने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इस फ्रूट में आयरन और फोलेट की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें एनीमिया हो, पीरियड्स में खून ज़्यादा बह गया हो। प्रेगनेंसी और स्तनपान करवा रही महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। 4 से 5 अंजीर के पीसेज को 200 मिलीलीटर दूध के साथ बॉयल करके पीने से आपका ब्लड साफ होता है तथा उसमें वृद्धि होती है। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर अंजीर को रोजाना रात को दूध में भिंगो के रखें और सुबह उठकर पी लें। यह नुस्खा आपके स्टेमिना और पावर को बढ़ाएगा, साथ ही आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, ऐसा रोज करने पर आपकी मर्दाना कमजोरी दूर होगी और आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख ले सकेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन आदमी तथा औरतों दोनों के शरीर में पाया जाता है। जब हमारी बॉडी सही तरीके से कार्य कर रही होती है तब ये हार्मोन बिल्कुल सही मात्रा में निर्मित होता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हार्मोन्स का असंतुलन पोल्यूशन और ख़राब खान पान के कारण इस हार्मोन की मात्रा बॉडी में अधिक हो जाती है और लेडीज़ का वज़न बढ़ना, मूड स्विंग्स, मेनोपॉज में प्रॉब्लम होना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो महिलाओं में स्तनपान और गर्भाशय का कैंसर तक हो जाता है। फिग में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो एस्ट्रोजन की इस बढ़ी हुई मात्रा को कम करते हैं और आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बचाते हैं। अनार, प्याज, नींबू, संतरा, अवोकाडो, ब्रोंकली एस्ट्रोजन को कम करने के गुण पाए जाते हैं। अंजीर के पत्तों में कुछ विशेष केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि सांस संबंधी प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इत्यादि के घरेलू इलाज में बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा फिग में मौजूद म्यूसिलेस आपके गले को स्मूथ करके गले के दर्द से राहत दिलाते हैं। ये फ्रूट कुकुर खांसी में भी आराम दिलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फ्रूट में कई कमाल के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे यौगिक पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपके सौंदर्य को बढ़ाकर आपको ग्लोइंग, बेदाग, गोरी स्किन देने के साथ आपको मजबूत, घने, लंबे और शाइनिंग बाल पाने में मदद करते हैं। आइए हम कुछ एक फायदे बता रहे हैं जो कि आपके फेस यानी कि स्किन और बालों के लिए होगा। फिग में पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स स्किन को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं तथा नई स्किन की वृद्धि को भी प्रमोट करते हैं। फिग को पीसकर स्किन पर लगाने से फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, जिंट्स इत्यादि प्रॉब्लम दूर होते हैं। कारण ये है कि इस फ्रूट में कमाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिग खाने से पेट की प्रॉब्लम दूर होती है और ऐसा होने से आपकी स्किन पर पेट की खराबी के कारण होने वाले रेसेज, पिंपल्स इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही आपकी स्किन अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनती है। दही में फिग का पेस्ट मिला लीजिए। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर थोड़ी देर मसाज कीजिए। कुछ देर बाद यानी कि कुछ एक मिनटों तक इसे अपने फेस पर छोड़ दीजिए। इसके बाद इसे धो लीजिए। इससे आपकी फेस की स्किन को पोषण मिलेगा और वो ग्लोइंग
और खूबसूरत हो जाएगी। हमने जो अभी फेस मास्क बताया, इसके अलावा आप अपनी स्किन को साफ करने के लिए फेशियल स्क्रब भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 2 टेबल स्पून फिग पेस्ट में 2 टेबल स्पून संतरे या फिर नींबू का रस मिलाइए, 1 टेबल स्पून शुगर और थोड़ा सा ओलिव ऑयल या बादाम ऑयल या कोकोनट ऑयल मिला लीजिए इसमें। इसको अपने फेस और दूसरे भाग जैसे कि घुटने, कोहनी, गर्दन और पीठ को स्क्रब करने के लिए काम में लाइए। ये आपकी स्किन की ऊपरी काली और डेड लेयर हटाकर नीचे की हेल्दी और साफ लेयर को उजागर कर देगा। ताजे फिग में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इस कारण इसमें त्वचा को गोरा बनाने के नेचुरल गुण होते हैं। आप इसकी पेस्ट को थोड़े से अदरक पाउडर, थोड़े से नींबू के रस और थोड़े से बादाम के तेल के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 25 मिनट अपने चेहरे पर लगाकर रखें और फिर इसे धो लें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने पर आपकी स्किन टोन और फेयर हो जाएगी, साथ ही त्वचा में निखार भी आएगा। इस फ्रूट में कुदरती मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, इसीलिए इसे खाने पर आपकी स्किन चमकदार बन जाती है। अंजीर से बालों को होने वाले फायदे के बारे में बात करें तो इस फ्रूट की एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ई आपके बालों को झड़ने यानी कि हेयर लॉस से बचाते हैं, साथ ही इन्हें शाइनिंग और हेल्दी बनाए रखते हैं। विटामिन्स और दूसरे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीज इत्यादि आपके सर में खून के दौरे को अच्छा करके आपके बालों को बढ़ने की गति को बढ़ाते हैं। इस फ्रूट में पाए जाने वाला कैल्शियम आपके बालों को मजबूती देता है। फिग के हेयर फ्रेंडली गुणों के कारण अक्सर इसे बढ़िया क्वालिटी के हेयर कंडीशनर्स बनाने में उपयोग किया जाता है। ये कंडीशनर बालों को सीधा, मुलायम और घना बनाते हैं। फिग ऑयल से बालों की मसाज करने पर वो कोमल, मुलायम और मॉइस्चराइज्ड बनते हैं। साथ ही आपके रूखे, सूखे और दोमुंहे बाल की समस्या भी कम होती है। इस ऑयल को आप अपने कंडीशनर के साथ मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम के कारण आप चिंतित हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि फिग में पाए जाने वाले एंजाइम्स आपके बालों के कलर को बनाए रखते हैं तथा उन्हें असमय सफ़ेद होने से रोकते हैं। अगर आपका गला खराब हो गया है तो हनी के साथ इस फ्रूट का सेवन कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर आपको माता निकल गई हैं यानी कि चिकन पॉक्स हो गया है तो शुरुआत में इस फ्रूट का इस्तेमाल करने पर ये बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती है, रुक जाती है। पथरी होने की स्थिति में 6 पीसेज को 1 कप पानी के साथ कुछ देर उबाल कर पिएं, आपको आराम मिलेगा। अंजीर के ताजे पत्ते चबाने पर मुंह की बदबू गायब हो जाती है। टॉन्सिल्स की सूजन से परेशान होने की स्थिति में आप कुछ फिग्स को पानी के साथ बॉयल करके इनकी पेस्ट को अपने गले के बाहर सूजन वाली जगह पर लगाने से आपको दर्द और सूजन से आराम मिलता है। इस पौधे की पत्तियों का पेस्ट कोढ़ की बीमारी में लाभदायक होता है। स्किन पर मस्से होने पर अंजीर के कोमल तने का जूस निकालने और उसे प्रॉब्लम वाली जगह पर दिन में 3 बार लगाएं। कुछ फिग्स को पानी में उबालकर रोज पीने से कोरेजा प्रॉब्लम में लाभ मिलता है। कुछ अंजीर के पीसेज और कुछ किशमिश रोजाना दूध के साथ खाने पर आपकी मेमोरी बढ़ती है। मलेरिया की स्थिति में कुछ पीसेज अंजीर के सिरके में 4 घंटे डुबो के रखो और बाद में दिन में 2 बार इन्हें खाने से मलेरिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फ्रेश फ्रूट को स्किन पर लगाने से दाने, पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं तो कुछ फिग के पीसेज रात को पानी में डुबो के रखिए और सुबह इनका सेवन कीजिए, आपको 2 से 3 दिनों में राहत मिल जाएगी। ये कान के दर्द में फ़ायदेमंद होता है तथा अंजीर को खाने से लीवर भी स्ट्रोंग बनता है। लेकिन इसके साथ साथ अंजीर को अगर आप अत्यधिक मात्रा में खाते हैं तो इसके कुछ एक नुकसान भी होते हैं, उसे भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अंजीर को खाने के हजारों फायदे हैं, लेकिन तब जब आप इससे एक निश्चित मात्रा में खाएं। अधिक मात्रा में खाने पर आपको ये लॉस भी देता है। पेट में दर्द होगा, पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, पेट में भारीपन लगेगा, लो ब्लड शुगर जैसे कुछ एक नुकसान आपको हो सकते हैं। कुछ लोगों में इसे खाने से दांत को नुकसान होने का भी
खतरा रहता है, इसलिए रात को इसे खाने से बचना चाहिए या फिर खाएं तो ब्रश करें। यदि आपको अंजीर से एलर्जी हो तब आपको इस फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सर्जरी के पहले और बाद में कुछ दिन तक इस फ्रूट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए, हर चीज़ जितनी अच्छी होती है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ बुरी भी होती है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। इसीलिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाइए और अपना जीवन स्वस्थ बनाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग ना कीजिए। अब जानते हैं कि अंजीर को कैसे खाना चाहिए। अंजीर को आप फ्रेश खा सकते हैं और ड्राई रूप में भी खा सकते हैं। हालांकि फ्रेश खाना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इन्हें अपने सलाद, केक, जैम, आइसक्रीम, शेक इत्यादि में डाल करके इसका स्वास्थ्यवर्धक गुणों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने ये जो अंजीर था आप सभी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बस इसका आप अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो भी अभी प्रॉब्लम्स बताई कि दूर करता है अंजीर, इन सारी प्रॉब्लम्स से आप दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं अंजीर के सेवन से। बस इसका सदुपयोग करें, यानी कि समुचित मात्रा में प्रयोग करें, अत्यधिक ना लें, फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और ये बेहद ही स्वादिष्ट एक फल होता है। तो चलिए अगली कड़ी में हम आप सभी से अब मिलते हैं कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, एक और नई औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।